वो किसने दिया था और उस स्ट्रक्चर तक पहुंचने से पहले कितने सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला या कौन सी थ्योरीज थी, जिसमें हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को पढ़ लिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ लिया, एंड देन हमने लास्ट में पढ़ा बोर एटॉमिक थ्योरी, जो मोस्ट एडवांस थ्योरी थी, जिसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया, साथ ही साथ बोला कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूट्रॉन। देखो, प्रोटॉन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया था, जिसको डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। बट बच्चे, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप जो भी वीडियो स्टार्ट करती हैं प्लीज उसे एंड तक जरूर देखिए। साथ ही साथ जब भी आप वीडियो देखती हैं तो अपनी नोटबुक में नोट्स जरूर बनाते चलिए, सो दैट कि आप जो भी पढ़े आपको याद रहे, एंड जो आपके जितने भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ना आपको, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इन नोट्स से पढ़ते हो चलोगे तो आपका कोई भी टॉपिक छूटने नहीं वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रॉन्स, दीज वर डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक इन 1932। बच्चे, न्यूट्रॉन्स सबसे लास्ट में डिस्कवर हुए थे। किसने डिस्कवर किए थे? जे चैडविक ने इन 1932। दे हैव जीरो चार्ज और आर न्यूट्रल। बच्चे, न्यूट्रॉन्स की बात करें तो उनका चार्ज जो होता है वो जीरो होता है या फिर वो न्यूट्रल होते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट रिमेन्स विद प्रोटोन इन न्यूक्लियस। जो न्यूट्रॉन्स हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था बच्चे, आपने पढ़ा था कि जो एटम है वो स्फेरिकल यूनिट होता है और उसके सेंटर में एक और स्फीयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? एक प्रोटोन है और एक न्यूट्रॉन है। तो जो यहाँ पे बात कही गई है वो बिल्कुल सही है, दैट कि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके साथ? प्रोटोन के साथ। और बच्चे, एक टर्म होती है दैट इज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स की बात कही तो न्यूक्लियस इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब बात करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के। अब यहाँ बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन की बच्चे, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁷ kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट इज 9.1 × 10⁻³⁶ kg। अब बच्चे, आप एस्टिमेट लगा सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कि ये जो मास है वो कितना कम है। देखो, केजीस में मास दिया गया है, बट इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻²⁷ एंड 10⁻³⁶। तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वही मास ऑफ प्रोटॉन होता है वही मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, दैट इज 1.67 × 10⁻²⁷ kg। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो उनका जो साइज होता है, जो उनका मास होता है, वो इन दोनों से भी बहुत छोटा होता है। तो बच्चे, ये तो हो गया उनका एग्जैक्ट मास। लेकिन अगर मैं बात करूं रेशियो की, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को 1 अज्यूम करते हैं तो जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उसका जो मास है, इट इज 1836 टाइम्स हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको समझ आ गया मास? आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे, मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, क्योंकि आगे चल के ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं। इसके बाद बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता है द मास ऑफ एटम इज सम ऑफ मास ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये बच्चे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एटॉमिक मास की बात करी थी। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे उनका एडिशन कर रहे थे। तो यही होता है मास ऑफ एटम। उसके बाद बच्चे बात करेंगे, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यस बच्चे, दिस इज एन एक्सेप्शन। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें सिर्फ प्रोटॉन, एक वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट जो न्यूट्रॉन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। इट मींस उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। तो ये एक्सेप्शन है, बिकॉज हाइड्रोजन इज द ओनली एटम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके अलावा जितने भी एटम है उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चे बात करेंगे एटम साइज की, एटॉमिक साइज की और न्यूक्लियस के साइज की। तो जो एटम का साइज होता है वो रेंज में होता है 10⁻¹⁰ मीटर की। और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के साइज की, तो इट इज इवन 5 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है वो इवन 5 टाइम्स छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो अगर साइज ऑफ एटम है 10⁻¹⁰ की 10 मीटर की रेंज में,
न्यूक्लियस का साइज इट इज इन द रेंज ऑफ 10^-15 मीटर। तो बच्चे यहाँ पर हमने बात कर ली अबाउट न्यूट्रॉन्स इन डिटेल, साथ ही साथ मैंने आपको मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी बता दिया, एंड इवन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियस साइज। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल। यस बच्चे, हमने नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन ऑर्बिट्स और शेल्स, और उस ऑर्बिट की कुछ स्पेसिफाइड एनर्जी लेवल है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि आखिरकार हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एकोमोडेट इन वन शेल, कि जो हमारे न्यूक्लियस के बाहर शेल्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आखिरकार एक जो शेल है उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। बच्चे ये जरूरी इसलिए है जानना क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। अब कैसे उससे रिलेटेड है, वी विल स्टडी दैट। तो फर्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज 2n². बच्चे यहाँ पे लिखा है कि जो मैक्सिमम नंबर, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ सकते हैं वो कितने हैं, 2n², ठीक है। n आपको याद होगा, n क्या था, नंबर ऑफ शेल। अगर हम न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो नंबर ऑफ शेल वॉज इंक्रीजिंग। तो जैसे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, दिस इज न्यूक्लियस जिसमें हमारे प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स थे, अगर हम उससे ऊपर की तरफ जा रहे थे तो क्या था, एन का नंबर 1, 2, 3 ऐसे इंक्रीज हो रहा था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, 2n² से। तो इन फर्स्ट ऑर्बिट बच्चे कौन सा था हमारा, के शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n² दैट इज 2। इन सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n² देखो 2² क्या आ जाएगा, 4, 4 2 8। देखो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 8। सिमिलरली जब हम थर्ड का कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ का कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 18 and 32। तो बच्चे इस वे से इंक्रीज हो रहा है कि सपोज कीजिए कि कोई एटम है, इसमें जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1, 2। सेकेंड शेल में कितने आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलरली जो इससे ऊपर वाला शेल होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है वैसे उसके शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और वैसे ही उसमें एकोमोडेट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा बच्चे आउटर मोस्ट, अब देखो जितने भी एटम्स होंगे उसका कोई आउटर मोस्ट शेल तो होगा ही, जिसके बाद कोई शेल नहीं होगा। आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाला, सबसे फार्देस्ट वाला शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। और बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट भी बोलते हैं। आप आगे टर्म सुनोगे, ऑक्टेट, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल। उसके बाद बच्चे एक और टर्म आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मींस आउटर मोस्ट शेल इज ऑक्टेट, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन द शेल अंटिल द इनर शेल्स आर फिल्ड। अच्छा बच्चे अब ये एक रूल होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखो अगर आपने इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे उसी के बाद ही आप आउटर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपने इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए, आप आउटर मोस्ट में सीधा फिल करने लग जाओगे, देन इट इज रॉन्ग, क्योंकि पहले इनर मोस्ट शेल में फिल होते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंटली नंबर इंक्रीज होते हैं, कि सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 वाले में, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, ऐसे n का नंबर इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरीके से आप शेल, जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वैलेंसी पढ़ रखी है पहले, बट अभी हम दोबारा स्टडी करेंगे व्हाट इज वैलेंसी। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर जितने भी एटम्स हैं जिनके उससे कम होते हैं, किसी के 5 है, किसी के 6 है या किसी के 3 है, तो वो क्या करेंगे, आइदर
वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या फिर सम इलेक्ट्रॉन्स दे शेयर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स सो दैट उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेटेड इन डिफरेंट शेल, जिसमें मैंने आपको बताया 2n स्क्वायर का रूल, दैट इज कि जैसे n का नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो बच्चे यहां पर मैंने ड्रॉ कर रखे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 12 एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके दिखाया। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वी नो इज 1, मींस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस, ये उसका इनर मोस्ट शेल दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बात करते हैं हीलियम की। हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इनर मोस्ट शेल में दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस उसमें अरेंज कर दिया। अब बच्चे 2n स्क्वायर रूल से हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट शेल होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इट मींस अगर लिथियम की बात करूं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां आ गए क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इज 3। थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, n इज इक्वल टू 2 वाले में, मतलब इससे बाहर वाले शेल में, दैट इज सेकेंड शेल में। उसके बाद सिमिलरली बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन उससे नेक्स्ट शेल में। अब अच्छे देखो यहां पर कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का कि देखिए फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां है, अब नेक्स्ट 2 मैं यहां नहीं ड्रॉ कर सकती थी, मैंने यहां ड्रॉ किए। रीजन, जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहां ड्रॉ करती तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा रिपल्शन होती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट हमें उन्हें ड्रॉ करना है तो मैं कहां ड्रॉ करूंगी, उस जगह ड्रॉ करूंगी जहां पे जो रिपल्शन है वो मिनिमम होगी, मतलब वो देखो सिमिलर चार्जेस आपको पता ना रिपेल करते हैं, तो अगर मैंने उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स में इस तरीके से अरेंज करूंगी कि उनकी रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। तो ये हो गया बेरिलियम का स्ट्रक्चर। सिमिलरली बोरोन का स्ट्रक्चर, इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे आउटसाइड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। सिमिलरली कार्बन, बच्चे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे आउटसाइड वाले में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट किए हैं। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, 2 प्लस 5, तो 2 इनर मोस्ट शेल 5 आउटर शेल में। एंड देन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे आउटसाइड वाले में 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड आउटसाइड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि हम किस रूल को ओबे कर रहे हैं, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए 2n स्क्वायर रूल को। इसीलिए मैंने यहाँ पर जितने भी इनर शेल है, जितना भी इनर मोस्ट शेल है, दैट इज n इज इक्वल टू 1 वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें उससे आउटसाइड वाले शेल में, तो आपको 2n स्क्वायर रूल से याद होगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 8। तो इस वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 8। तो यहाँ पे है नियोन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, उससे आउटसाइड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बोल सकती हूँ जो नियोन है उसका जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सोडियम की। तो बच्चे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, मतलब हमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट शेल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, उसके बाद मैक्सिमम 8 आ सकते थे, उससे नेक्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। तो मैग्नीशियम की बात करूं तो 2 इनर मोस्ट शेल में, देन उससे आउटसाइड वाले में 8, देन उससे आउटसाइड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हाइड्रोजन से लेकर मैग्नीशियम तक। उसके बाद सिमिलरली जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे आप इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स हैं उसको भी इंक्रीज करोगे, ठीक है बच्चे, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, और क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो आपको वैलेंसी और क्लियर समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स।
अब बच्चे वैलेंसी क्या थी कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स थी कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या नाम था? वैलेंसी। अब वैलेंसी क्यों होती है या फिर कोई भी एटम कंबाइन क्यों करता है? तो चलिए, अब हमने पढ़े थे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे कि सोडियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, ठीक है, हमने मैग्नीशियम पढ़ लिया, हमने कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, हमने इतने सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए डिफरेंट एटम्स के। तो आपने देखा होगा कि इन सब एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल थे उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, ठीक है। सोडियम की बात करो तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल था दैट इज वैलेंस शेल, बच्चे आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल, उसमें वन इलेक्ट्रॉन था। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। उसके बाद बात करूं ऑक्सीजन की तो उसके आउटर मोस्ट शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड कार्बन के आउटर मोस्ट में फोर इलेक्ट्रॉन्स थे, नाइट्रोजन में फाइव इलेक्ट्रॉन्स थे, लिथियम में वन इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब इनमें से किसी में भी आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जितने भी बच्चे एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं कि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे, दैट इज ऑक्टेट एग्जिस्ट करे, बिकॉज जो ऑक्टेट स्टेट होती है बच्चे आउटर मोस्ट शेल में वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सोडियम की बात करो तो सोडियम एक मेटल है, ठीक है। मेटल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो क्या करेगा उसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको दे देगा, उसको किसी को दे देगा। इसलिए सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैं बोल सकती हूँ सोडियम के वैलेंसी इज वन, सो दैट कि जो उसके आउटर मोस्ट शेल है जो फ्री हो जाए, उससे इनर वाले में तो एट इलेक्ट्रॉन्स थे ही, है ना, वो तो फील्ड ही था, तो वो क्या हो जाता है? सोडियम स्टेबल। मैग्नीशियम की बात करो तो हमको पता है मैग्नीशियम जो है प्लस टू स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या टू इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। अब ऑक्सीजन की बात करूं बच्चे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखो सिक्स इलेक्ट्रॉन किसी को देना इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो एटम उसकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, कोशिश करता है किसी से दो इलेक्ट्रॉन्स ले ले, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? टू। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है? टू इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, सो दैट वो ऑक्टेट स्टेट को अचीव कर ले। कार्बन की बात करूं तो कार्बन स्पेशल केस, उसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स है। अब बच्चे फोर इलेक्ट्रॉन ना तो देना पॉसिबल ना ही फोर इलेक्ट्रॉन्स लेना पॉसिबल है, तो कार्बन क्या करता है, फोर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी और एटम से। शेयर करने का मतलब कि वो जो एटम्स हैं या सॉरी वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम का भी पार्ट है और इस कार्बन एटम का भी पार्ट है, ठीक है। इसलिए कार्बन की वैलेंसी इज फोर। तो जो वैलेंसी है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स है या फिर टेंडेंसी of atoms or molecules to combine with different atoms to form molecules or compounds। बच्चे आपको वैलेंसी का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा, अब आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि वैलेंसी क्यों होती है या फिर वैलेंसी जो पर्टिकुलर वन टू थ्री है उसका क्या रीजन है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, वो क्या है उसकी वैलेंसी। All the atoms react to achieve maximum stability, that is octet of electron in the outermost shell। ये तो हमें पता ही है कि maximum stability क्या होती है, जब उसके outermost shell में 8 electrons होते हैं। अच्छा क्योंकि जो 8 electrons वाले atoms होते हैं उनको क्या बोला जाता है, inert elements या फिर inert atoms। देखो क्यों, अब देखो कुछ cases होते हैं, जैसे आपने helium पढ़ा था, helium में क्या है उसके जो इनर मोस्ट शेल में वो होते टू इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन की बात करूं तो उसके इनर मोस्ट शेल में टू थे, आउटर मोस्ट में एट थे, तो वो कंप्लीटली फ्री था, उसे किसी के साथ शेयर करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी एट थे तो वो स्टेबल था। सिमिलरली आर्गन की बात करो तो उसका आउटर मोस्ट भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो उसे किसी के साथ शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इनको नोबल गैसेस भी बोला जाता है या फिर इनर्ट एलिमेंट्स भी बोला जाता है, बिकॉज द एलिमेंट्स हैविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट्स, दे हैव जीरो केमिकल रिएक्टिविटी। फ्रेंड्स, मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वैलेंसी के बारे में, साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट एटम्स। बच्चे मोस्टली जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है, सिर्फ फ्यू पोर्शंस आर लेफ्ट, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और मैंने सिर्फ आपको एटॉमिक्स
एटॉमिक नंबर एंड जो मास नंबर है उसके लिए जो सिंबल यूज होता है उसके बारे में बताना है। उसके अलावा हमारा जितना भी पोर्शन था इस चैप्टर का वो फिनिश हो चुका है। तो बच्चे आप नोट्स बनाते हुए चलिए सो दैट आपको कोई भी क्वेश्चन ना रहे। और बच्चे अगर आपको इस वीडियो में या किसी भी पुरानी वीडियो में कोई डाउट है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिए सो दैट हम आपके डाउट को एज सून एज पॉसिबल रिजोल्व करें। साथ ही साथ बच्चे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि आप जब भी वीडियो देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपनी क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।